बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ये बना रही हूँ चिकन 65, चिकन पेंसेट। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ली है, बोनलेस चिकन, और इसमें नमक डाल दूँगी, अपने जायके के मुताबिक डालें। अब इसमें 2 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर जो है, कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 चम्मच, और 2 चम्मच बड़े चाय के खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर है या कॉर्न स्टार्च, 1 चम्मच राइस फ्लावर है, और 1 टीस्पून लेमन जूस। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। तो अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है, और इसको अच्छी तरह से पेंट लेंगे। और अब इसको इस चिकन में ऐड कर लेंगे, जो चिकन में मसाले डाले थे उसमें शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बड़े मज़ेदार बनता है, इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने तेल फ्राइंग के लिए लिया है, इसमें अब इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम सब इसको ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा नहीं भरना, और 2-3 मिनट के लिए इनको पका लेंगे मीडियम हीट पर, दरमियाने आंच पर इसको 2-3 मिनट पकाना है। बस इसको इसी तरह चम्मच चला के ताकि सारे साइडों से अच्छी तरह से कलर आ जाए इस पर, और अच्छी तरह से पक जाए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये हमारी एक कढ़ाई तैयार हो गई है, अब मैं दूसरी डालूँगी, और इसी तरह हम सारे को फ्राई कर लेंगे। अगर आपने पहले ये नहीं बनाई होगी तो ये एक बार ज़रूर बना ले, बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। तो देखो ये तैयार हो गई हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं अभी बनाऊंगी इसकी ग्रेवी, थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं एक पैन लूंगी अभी, और पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने ये चिकन फ्राई किया था, तो इसी में मैं डालूंगी अब थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना होगा, बस थोड़ा सा ही डालना है, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। तो जब ये हो जाएगा फिर अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, ये मैंने लहसुन को बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें अब शामिल कर देंगे। तो इसको भी बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए लहसुन। फिर इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी करी पत्ता जो है, ये तेज़पात नहीं है, ये एक और करी लीव्स हैं, वो डालूंगी अब इसमें। 5-6 ये डाल दिए हैं करी लीव्स, इसको थोड़ा मिक्स कर लूंगी, और फिर अब इसमें डालूंगी ये लाल और हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने लाल मिर्चों को बीच में से नहीं काटा था, तो ये
पटने लगी थी और मेरा कैमरा बंद हो गया था। यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था तो आप इसको ज़रूर बीच में से काटें। और मैंने यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया था चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून और सोया सॉस वो भी 1 टीस्पून डाला था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालूँगी और इसको मज़ीद कुछ देर के लिए भूनूंगी। तो जैसे ये तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे जो चिकन हमने फ्राई किया हुआ है। ये देखो अब तैयार हो गया है। तो इसमें भी ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इस लग जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको ओवर कुक नहीं करना, बस ये अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखो हमारे चिकन पेंसेट की फ़ाइनल लुक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी ज़रूर दुआ में याद रखें। आप सबको अल्लाह ताला अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर तरह की नागहान आफतों से बचा के रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।